हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 65 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। ओके दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइंस्टाइन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों वह किया गया था 1905 में। ओके, आइंस्टाइन का जो विशेष सापेक्षता का सिद्धांत था, यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, सबसे पहले 1905 में प्रस्तावित किया गया था और द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया गया, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। और 1921 में दोस्तों इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा 1921। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गाँव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? बताइए दोस्तों कौन सा गांव है वह? तो वह है मतूर। ओके, ये जो है शिमोगा शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे मतूर गांव क्या है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और संस्कृत जो है यहाँ की बोलचाल की भाषा है। और इस गांव में दोस्तों जो है करीब 500 परिवार रहते हैं और ये संस्कृत में बड़ी ही सहजता से बात करते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी डैश वजह से ले रहे हैं, बताइए उनका रीज़न क्या है, क्यों ले रहे हैं? तो दोस्तों वह रीज़न है ऊर्जा दक्षता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था, बताइए। तो वह बना हुआ है दोस्तों ग्रेनाइट से। ओके, ये जो है दोस्तों इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है और इसका जो निर्माण है वह हुआ है 1003 से लेकर 1010 के बीच, ठीक है। चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था और उनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया जाता है, राजराजेश्वर। और ये जो है वृद्धेश्वर मंदिर पूरी तरह से जो है दोस्तों ग्रेनाइट निर्मित है और विश्व में यह जो है अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य मेमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों इनमें से जो मेमेलिया है वो बताना है और निकलना है, तो वह है दोस्तों छिपकली। ओके, याद रखिएगा, बाकी सब जो है मेमेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु शिखर क्या है, बताइए दोस्तों क्या है गुरु शिखर? तो वह है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। ओके, ये जो है गुरु शिखर राजस्थान के अरपोड़ा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु है और ये जो है दोस्तों 1722 मीटर यानी 5676 फीट की ऊंचाई पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है यानी माइकोलॉजी? तो दोस्तों वह होता है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ओके, ये जो है दोस्तों फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है और कवक जो है फंगस जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे साधारणतया वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों वह है टोक्यो। ओके, ये जो है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर जो है ओलंपियाड के खेल एक अंतर्राष्ट्रीय योजनाबद्ध जो है बुद्ध खेल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन जो है
ये जो है 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो जापान में होना है, और खेलों की मेज़बानी के लिए 3 शहरों ने अपनी बोली पेश की है, वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वह है टोक्यो, मैड्रिड और इस्तानबुल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो दोस्तों वह थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी है। ये जो है श्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जो उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत थी। ठीक है, और आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पहले 2014 से लेकर 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, और उन्होंने जो है अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद संभाला है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो वह थे फेडरिक मेस्टर। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह कहलाते हैं प्रतिकण। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन के बारे में निम्न से क्या असत्य है? बताइए निम्न में से क्या असत्य है जो फॉल्स है? तो दोस्तों वह है कि उन्हें जो है वर्ष 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है कि उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये करेक्ट है। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी ट्रू है। और नेक्स्ट जो है उनका वर्ष 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी ट्रू है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो दोस्तों वह है वराह मिहिर। ठीक है, ये जो है वराह मिहिर ईसा की 5वीं 6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलीय है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों वह है तमिल। याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश का प्रथम प्रधानमंत्री, उनका नाम बताना है, कौन थे वह? तो दोस्तों वह थे तजादुद्दीन अहमद। ओके, इनका जो काल था वह था 1925 से लेकर 1975 तक। ठीक है, पद इन्होंने कब संभाला था? तो वह था 11 अप्रैल 1971 को, और इन्होंने पद छोड़ा था 12 जनवरी 1972 को। ठीक है, और इनकी पार्टी कौन सी थी राजनीतिक दल? तो वह था बांग्लादेश अवामी लीग। उसके बाद जो बने थे दोस्तों प्रधानमंत्री वह थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट थे फिर थर्ड नंबर पे मोहम्मद मंसूर अली, और 9वें नंबर पे थी खालिदा जिया। याद रखिएगा सीरियल वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीबी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म बतानी है? तो दोस्तों वह होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग 1.5 फुट ऊपर है, होती है, बताइए कितने फुट ऊपर होती है? तो दोस्तों वह है 29,029, करेक्ट कर लीजिएगा, 29,019। ठीक है, ये जो है माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और समुद्री जो सतह है उससे 8,848 मीटर यानी 29,019 फुट जो है ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और ये जो है दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा ये जो है तिब्बत में चोलोलुंगा और नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, और नेपाल में जो है ये सागरमाथा जोन और चीन में तिब्बत की सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन कब किया गया था?
तो दोस्तों वह हुआ था 1942 में। ओके, ये जो है आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, इसका गठन 1942 में किया गया था और 28 से लेके 30 मार्च 1942 को टोक्यो यानी जापान में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने जो है इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया था। याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किया जाने वाला हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट डैश में अपने निर्वहन का निपटान करता है, बताइए किसका करता है? तो वह है दोस्तों बायोडाइजेस्टर टैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाना है, बताइए दोस्तों इसमें से क्या ऑड है? तो वह है दोस्तों पोलियो। ओके, इसके अलावा जो है डीएनए से हमें जातीयता, कुल परंपरा और वंशावली का पता चलता है। डीएनए जो है जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाला दंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं, और इसमें जो है अनुवांशिक कूट निशब्द सॉरी निबद्ध रहता है, और डीएनए अणु की संरचना घुमावदारी जो सीढ़ी होती है उसकी तरह होती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और एसएससी मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों।